हाँ तो भाई, हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, हर व्यक्ति को अलग किस्म का फोन पसंद आता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलग अलग कैटेगरी के चार फोन्स की। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे बेस्ट फोन अंडर 14,000। जैसा कि भाई आप सभी जानते हैं कि किसी को अच्छे कैमरास पसंद आते हैं, किसी को भाई यहाँ पर एक अच्छा सा और तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन लेना होता है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें सिर्फ कंटेंट वॉचिंग के लिए बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले पसंद आती है। तो भाई ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन यूज़र्स की जिन्हें कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए इस बजट के अंदर बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले चाहिए। तो भाई इस बजट के अंदर एक ही काफी तगड़ा फोन है जहां आपको प्रीमियम क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और कंटेंट वॉचिंग का जो मजा है भाई वो भी आपको यहां पर काफी अच्छा देखने को मिलता है। ये फोन है यहां पर मोटो का G50 2 4G। इस फोन में आपको दी गई है 6.6 इंचेस की पीओलेड डिस्प्ले जो की एक प्लास्टिक ओलेड डिस्प्ले जहां पर आपको सुपर एमोलेड से बेटर क्वालिटी के कलर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो की काफी अच्छी बात है। साथ ही में आपको यहाँ पर किसी चाइनीज ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है। अप टू 500 नीट्स की ब्राइटनेस और 90 Hz की हाई रिफ्रेश रेट और 360 Hz की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल इस फोन की जो डिस्प्ले है ये एक ऑलराउंडर है। डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। वैसे दोस्तों कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे। और रही बात कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM या फिर 1 4G SIM और 1 memory card लगा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये फोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर जहाँ पर आपको मोटोरोला की कस्टम स्किन MIUX का सपोर्ट मिलता है। कोई ब्लॉटवेयर ऐप नहीं, कोई भी ऐड नहीं और साथ ही में थिंकसिल्ट की सिक्योरिटी भी मिलती है। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। रही बात बाकी फीचर्स की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट जो कि बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। ये स्मार्टफोन अंतुतु पर स्कोर करता है लगभग 2,75,000 के आसपास। तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आप यहां पर डिसेंट लेवल की कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको यहां पर UMCP की स्टोरेज भी दी गई है जिसे आप यहां पर UFS 2.1 या फिर 2.2 से कंपेयर कर सकते हैं, जिसका मतलब कि रीड और राइट और ऐप लोडिंग टाइम जो है वो आपको यहां पर काफी फास्ट मिलता है। कैमरास की बात कर लें तो बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा जहां पर मेन कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है और इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर मैक्रो सेंसर मिलता है। सेल्फी के लिए दिया गया है 16 मेगापिक्सल का एक अच्छा खासा शूटर। सो देखा जाए भाई तो यहां पर जो कैमरा सेटअप है फोन का अच्छा दिया गया है और डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज भी काफी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में यहाँ पर भी आपको फुल एचडी की ही वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक कैमरा से। रही बात फोन के पावर हाउस की तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलती है 5000mAh की बैटरी जहाँ पर 30W की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। सो बैटरी मॉडल से यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती। और गाइज ये जो फोन है ये भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलेगा पर आपको थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। डिजाइन आपको यहाँ पर कैसा दिया गया वो आप देख सकते हैं और साथ ही में ये फोन भी IP52 रेटिंग के साथ में आता है जिसका मतलब वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन यहाँ पर भी आपको दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। सो अगर आप यहाँ पर इस बजट के अंदर फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB RAM और 64GB storage के लिए नॉर्मली आपको 14,500 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये फ़ोन आपको लगभग मिलेगा 13,500 रुपये की प्राइस पर। और उस हिसाब से देखेंगे तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी भाई वो इस बजट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा औसम है। देखा जाए तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त दी गई है। तो अगर आप यहाँ पर कंटेंट वॉचिंग के लिए ज़बरदस्त स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, साथ में आपको यहाँ पर नीट एंड क्लीन सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप इस फ़ोन की तरफ भी ज़रूर देख सकते हैं। सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स है दोस्तों वो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं तो आप इनकी करंट प्राइस जा करके चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन यूजर्स की जो कि एक अच्छा और तगड़ा गेमिंग स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं। तो भाई इस बजट के अंदर आपको यहाँ पर अप टू 8GB तक की फिजिकल रैम और 128GB की बड़ी स्टोरेज के साथ में मिल जाता है इन्फिनिक्स का नोट 12 टर्बो। चलिए जानते हैं स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में। सो गाइस, हालांकि ये स्मार्टफोन प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और साथ ही साथ डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया गया है। और अच्छी बात है कि ये फ़ोन आता है सिर्फ और सिर्फ 7.9mm थिकनेस के साथ में, यानी कि ज़्यादा मोटा भी नहीं है।
और 185 ग्राम्स का फ़ोन है तो काफ़ी लाइट वेट भी है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर अगर कुछ फ़ोन के अदर फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 3.5mm का जैक दिया गया है, साथ ही साथ ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं तो गेमिंग के वक्त ऑडियो भी आपको यहाँ पर अच्छे मिल जाएगी, और इन सभी के अलावा ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूज़र इंटरफेस की बात कर ले तो ये स्मार्टफोन आता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 12 बेस्ड XOS 10.6 पर। थोड़े मोड़े ब्लॉटवेयर ऐप आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। सो ये तो थे फ़ोन के कुछ बेसिक फीचर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ़ोन के मेन फीचर्स के बारे में। इस फोन के अंदर आपको मिल जाती है 6.7 इंचेस की बड़ी सी फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर दी गई है, साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, और फोन को आउटडोर में इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर 1000 निट्स की ब्राइटनेस भी दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। गेमिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, और साथ ही साथ 180Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है जो कि आपकी गेमिंग में काफ़ी मदद करती है। सो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छी मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो फ़ोन के बैक साइड में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और साथ ही में आपको यहाँ पर एक AI लेंस मिलता है। सामने की बात करें तो सामने आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। देखा जाए तो कैमरा सेटअप आपको पिछली बार की तरह ही दिया गया है, लेकिन मेन कैमरा को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिस वजह से आपको यहाँ पर आउटपुट काफ़ी अच्छे मिलते हैं, चाहे वो डे लाइट हो चाहे नाइट हो दोस्तों, आपको इमेजेस काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है फ़ोन के बैक कैमरा से, और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। तो इस बार इन्फिनिक्स ने कैमरा को भी काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, तो यहाँ पर आपको कैमरा से भी कोई दिक्कत नहीं आती। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों फ़ोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G96 चिपसेट, जो कि बना हुआ है 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर, और लगभग आपको यहाँ पर 3.5 लाख के आसपास के अंततः स्कोर भी मिल जाते हैं, तो डेली परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलने वाली है, साथ ही साथ आप यहाँ पर इस बजट के हिसाब से काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। इन सभी के अलावा दोस्तों फ़ोन के अंदर आपको UMCP की स्टोरेज भी दी गई है, जिसे आप UFS 2.1 से कंपेयर कर सकते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी काफ़ी फास्ट मिल जाता है, तो ओवरऑल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। और आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं फ़ोन के पावर हाउस की। तो इस फ़ोन के अंदर लगी हुई है 5000mAh की बैटरी, कि आपको नॉर्मल यूजिंग पर एक दिन का बैकअप बहुत ही आराम से दे देती है। साथ ही साथ फ़ोन यहाँ पर 33 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉड्यूल से भी आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। रही बात फ़ोन के प्रोज और कॉन्स की, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8GB की रैम प्लस 5GB की वर्चुअल रैम, जिसका मतलब कि 13GB की रैम आपको मिलती है, 128GB की बड़ी स्टोरेज भी आपको मिल जाएगी, और इसके लिए आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 13,999 रुपये। वैसे बैंक ऑफर्स लगा करके आप स्मार्टफोन को 12 से 13 हज़ार रुपये की प्राइस पर भी परचेस कर सकते हैं, जिस हिसाब से दोस्तों सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, चाहें तो आप स्मार्टफोन की तरफ ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन यूजर्स की जिन्हें इस बजट के अंदर टॉप लेवल का कैमरा परफॉर्मेंस चाहिए। हालांकि आपको यहां पर परफॉर्मेंस से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, लेकिन फ़ोन के जो बाकी फीचर्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये फ़ोन है रियलमी का 9 4G। शुरू कर लेते हैं फ़ोन की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फ़ोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और डिज़ाइन भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। साथ ही साथ ये फ़ोन सिर्फ और सिर्फ 178 ग्राम का है, और हाँ दोस्तों इसकी थिकनेस है 8mm, सो काफ़ी लाइट वेट और काफ़ी स्लिम फ़ोन भी है। अदर फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाता है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक आपको यहाँ पर दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, और हाँ दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 4G SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये फ़ोन आता है एंड्रॉयड 12 बेस्ड Realme के UI 3.0 पर, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेटेस्ट OS के साथ में आता है, और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, सो ओवरऑल आपको यहाँ पर कोई भी खास शिकायत नहीं आती। तो अब बढ़ते हैं फ़ोन के मेन फीचर्स की तरफ। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की एक कॉम्पैक्ट साइज की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, अप टू 1000 निट्स की ब्राइटनेस भी मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आती।
गेमिंग की बात करें तो गेमिंग के लिए 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको यहां पर दी गई है। सो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी आपको यहां पर काफ़ी अच्छी मिलती है। सो अब बात कर लेते हैं फ़ोन की आंखों के बारे में। और दोस्तों इस फ़ोन के बैक साइड में आपको मिल जाती हैं तीन आँखें, जहां पर मेन कैमरा आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल का। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो सेंसर मिल जाता है। सामने की बात करें तो सामने आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा दिया गया है, डे लाइट वगैरह में फोटोज भी काफ़ी अच्छी आ जाती हैं। रही बात दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही मिलता है अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक कैमरा से। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन के मामले में ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा निराश जरूर करता है। तो अब बात कर लेते हैं फोन की परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 680 का 4G चिपसेट, और ये चिपसेट बना हुआ है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हीटिंग की शिकायत काफ़ी कम आती है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाता है। लेकिन जहाँ बात आती है परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन स्कोर करता है AnTuTu पर लगभग 2,75,000 के आसपास, जिसका मतलब कि डे टू डे टास्क आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये एक गेमिंग चिपसेट नहीं है, तो आपको यहाँ पर उतनी अच्छी गेमिंग तो नहीं कराएगा, लेकिन फिर भी आप इस बजट के हिसाब से डिसेंट गेमिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सभी के अलावा फ़ोन के अंदर UFS 2.2 का स्टोरेज लगा हुआ है, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ ऐप लोडिंग टाइम भी फास्ट दे देता है। सो देखा जाए तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फ़ोन के पावर हाउस की। तो इस फ़ोन के अंदर आपको दी गई है 5000mAh की बैटरी, और देखा जाए तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफ़ी आराम से मिल जाता है। साथ ही में ये फ़ोन 33 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। रही बात फ़ोन के प्रोस और कॉन्स की, तो वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB की बड़ी स्टोरेज के साथ में ये जो फ़ोन है ये आपको मिलता है लगभग 17,500 रुपये की प्राइस पर। लेकिन अगर आप अपने किसी भी बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से इस स्मार्टफोन को परचेस करते हैं, तो आपको यहाँ पर 3,000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और इफेक्टिवली ये स्मार्टफोन आपको मिलेगा 14,500 रुपये की प्राइस पर। जिस हिसाब से देखेंगे तो फ़ोन अच्छा है, अच्छे फीचर्स के साथ में आता है, चाहे तो आप स्मार्टफोन की तरफ ज़रूर जा सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी और एक ऑलराउंडर फ़ोन की, जहां पर आपको कैमरा, बैटरी, परफॉर्मेंस और साथ ही साथ गुड क्वालिटी की डिस्प्ले भी देखने को मिल जाती है। और ये फ़ोन है iQOO का iQOO Z6। ये फ़ोन भी आपको यहां पर प्लास्टिक बिल्ड पर ही दिया गया है, लेकिन TUV रिनलैंड सर्टिफाइड है, तो बिल्ड क्वालिटी से आपको यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आती है। डिज़ाइन आप यहां पर देख सकते हैं कि डिज़ाइन आपको कैसा दिया गया है। रही बात बाकी फीचर्स की, तो यहाँ पर भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, और आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर आइदर एक साथ में 2 5G SIM या फिर 1 5G SIM और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन भी आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है और यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आती। तो ये तो हुए बेसिक फीचर्स, बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो ये फ़ोन आता है 6.58 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल के साथ में, जहां पर डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहां पर पैंडा ग्लास 2 का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही में आपको यहां पर लगभग 450 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, और गेमिंग के लिए आपको यहां पर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है। तो दोस्तों देखा जाए तो डिस्प्ले आपको यहां पर काफ़ी अच्छी दी गई है, आपको यहां पर डिस्प्ले से कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात फोन के कैमरास की, तो इस फोन के बैक में लगे हुए हैं 3 कैमरा, जहां पर मेन कैमरा आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया गया है। सामने की तरफ आपको यहां पर मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का डिसेंट है, लेकिन आपको यहां पर मेन कैमरा से आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। रही बात वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो आप यहां पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे 30 FPS तक फ्रंट और बैक कैमरा से। और भाई अगर बात कर ले फोन की परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है Qualcomm Snapdragon 695 का 5G चिपसेट। वैसे दोस्तों काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर हीटिंग की दिक्कतें बहुत कम मिलती हैं और बैटरी एफिशिएंसी भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। रही बात डे टू डे और गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया गया है। आपको यहाँ पर 5-लेयर कूलिंग सिस्टम मिल जाता है गेमिंग वगैरह के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। और AnTuTu स्कोर की बात करें, तो लगभग आपको यहाँ पर 4,10,000 के आसपास के स्कोर मिलते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत अच्छे स्कोर हैं। तो गेमिंग वगैरह इस फोन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और आपकी गेमिंग को और भी इन्हेंस करने के लिए आपको UFS 2.1 की स्टोरेज दी गई है, जो कि आपको रीड और राइट के साथ साथ एप्स लोडिंग टाइम में भी काफ़ी मदद करता है।
तो फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। फोन के पावर हाउस की बात कर ले तो फोन के बैक साइड में लगी हुई है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप तो बहुत आराम से दे देती है। साथ ही में ये फोन सिर्फ और सिर्फ 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 18 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई, तो बैटरी मॉड्यूल आपको यहाँ पर डिसेंट मिलता है। और अब बात कर लेते हैं फोन के कुछ प्रोस के बारे में। तो यहाँ पर आपको डिजाइन काफी अच्छा मिल रहा है, कैपेबल प्रोसेसर है, और दोस्तों यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप के साथ साथ ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। रही बात फोन के कॉन्स की, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम मिलती है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों ये स्मार्टफोन सिर्फ और सिर्फ 2 5G बैंड के साथ में आता है। तो देखा जाए तो फोन अच्छा है, अगर आप यहाँ पर गेमिंग के लिए लेना चाहें तो आप इस स्मार्टफोन को एक बार जरूर देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 4GB की वर्चुअल रैम और 128GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में ये स्मार्टफोन अभी आपको मिल रहा है 14,000 रुपए की प्राइस पर। तो अगर आप यहाँ पर एक पावरफुल 5G स्मार्टफोन लेना चाहें तो डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। सो फाइनली गाइज, ये थे वो टॉप 4 अलग अलग कैटेगरी के 4 स्मार्टफोन्स। आई होप कि आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।